नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के काराकाट प्रखंड मुख्यालय सभागार भवन में अंचलाधिकारी रविराज का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में प्रखंड के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, अंचल कर्मी उक्त अवसर पर भावुक हो गए। अंचलाधिकारी रविराज के 3 साल के सराहनीय कार्यकाल व कर्तव्य निष्ठा के साथ कुशलता पर सभी लोगों ने बधाई दी। प्रखंड विकास पदाधिकारी सिद्धार्थ कुमार ने इनके सराहनीय कार्य को सराहा और कहा कि ये परंपरा है कि सभी अधिकारियों का 3 साल पूरा होने पर तबादला होता है। सर, काराकाट प्रखंड क्षेत्र के 20 पंचायतों के अंतर्गत आप यहाँ अंचलाधिकारी पद पर कार्यरत हैं, कार्यकाल का आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ? यहाँ जब से मेरा पदस्थापन हुआ 2018 जुलाई में, तब से शुरू में भले थोड़ा अजीब सा लगा, महसूस हुआ, लेकिन अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही मुझे अपने सहकर्मी का, वर्तमान वीडियो का, थानाध्यक्ष का, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग उसी समय से मिलता रहा। मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई, एकाध दो बिंदुओं को छोड़कर लगभग सभी चीज़ों में हर जनप्रतिनिधि का, वहाँ का स्थानीय कुछ सम्मानित लोगों का भरपूर सहयोग मिला, जिस कारण इस अंचल में मेरा 3 साल किस तरह गुजर गया ये फील ही नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ। यहाँ सारे जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जनता को अपने हृदय में बसाकर मैं यहाँ से विदाई ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ के सारे लोगों को हमेशा याद करूँगा। कभी भी महसूस होगा कि किसी की मुझे ज़रूरत है, कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं। इस अंचल में और प्रखंड में जितने कर्मी हैं, सभी कर्मी का भी भरपूर सहयोग मुझे मिला है और इसके लिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सर, अब जाते जाते एक मुख्य बात है आपसे कहना, जाते जाते आप जनप्रतिनिधियों के लिए क्या संदेश देना देते जा रहे हैं? जनप्रतिनिधि यहाँ इस प्रखंड के कुछ को छोड़ के ये नहीं कहेंगे, सारे लोग अच्छे ही हैं, उसमें अच्छे खराब होते ही हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ अच्छे हैं।